हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टुडेज़ क्लास विथ अवर चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। सो इन टुडेज़ क्लास वी विल लर्न अबाउट द साइज ऑफ सेल्स, द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, पार्ट्स ऑफ सेल। ओके, सो दीज ऑल आर द टॉपिक्स विच वी विल स्टडी इन टुडेज़ लेक्चर। ओके, सो let's continue with the revision of the previous lecture, because the revision is equally important as we study the next lecture. Okay, so in the previous lecture we studied about organisms show variety in cell number, shape and size. तो इस lecture में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो हम revision करेंगे प्रीवियस लेक्चर का, ताकि हमको चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो लास्ट लेक्चर में हमने नंबर ऑफ़ सेल्स पढ़ा था, तो नंबर ऑफ़ सेल्स जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। ओके, अलग अलग जानवर में अलग अलग नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं। तो बेसिकली जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ़ सेल्स। ओके, ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल से बनी है वो कहलाते हैं यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनी मतलब सिंगल, सेलुलर मतलब सेल से बना। ओके, तो सिंगल सेल से बना ऑर्गेनिज्म कहलाता है यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, जो ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनता है वो कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। ओके, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म्स आर द ऑर्गेनिज़म्स विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। अब आपको अगर एग्ज़ाम में आए गिव सम एग्ज़ाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म, तो आप लिखोगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म के एग्ज़ाम्पल हैं बैक्टीरिया, पैरामीशियम, माइकोप्लाज्मा, अमीबा। तो ये सारे यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज़म हैं। ओके, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म के एग्ज़ाम्पल हमको आसपास जितने भी जानवर देखने मिले वो सब मल्टी सेलुलर हैं, चाहे गाय हो, चाहे बैल हो, चाहे डॉग हो, ओके, चाहे कैट हो, प्लांट्स हो, ये सब के सब क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स हैं। ओके, फिर हमने ये देखा था कि सेल का शेप कैसा होता है। ओके, तो देखिए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अमीबा की बात करें, अमीबा ये है अमीबा। ओके, तो अमीबा की बात करें तो इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, कोई प्रॉपर शेप अमीबा का होता ही नहीं है। ओके, इररेगुलर शेप्ड होता है अमीबा। ओके, पैरामीशियम का भी कोई सच शेप नहीं होता है। ओके, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज़म्स के शेप और साइज जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। ओके, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म होते हैं उनमें शेप और साइज़ जो है वो फिक्स होता है। जैसे आप प्लांट्स देखेंगे तो प्लांट्स का शेप जो है वो एक ही जैसा रहेगा। ओके, एनिमल्स में आप देखेंगे कि डॉग जो है, ऐसा नहीं है कि वो किसी डॉग की, मतलब कोई डॉग लास्ट मंथ छोटा था फिर बड़ा हो गया, या फिर बड़ा था फिर छोटा हो गया, तो शेप चेंज नहीं होता है। ओके, जैसा शेप फिक्स्ड है डॉग का, कैट का, एनिमल्स का, वो फिक्स्ड ही रहता है। ओके, तो शेप जो है वो फिक्स होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स का, लेकिन यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स का बॉडी का शेप फिक्स नहीं होता है। ओके, अब हम बात करते हैं सेल्स की। तो देखिए जो शेप होता है सेल्स का, तो जो शेप ऑफ सेल्स है वो डिपेंड करता है वो क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में सेल्स जो भी काम कर रहे हैं उसके हिसाब से सेल्स का शेप और साइज़ होता है। ओके, जैसे रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है, उसको ऑक्सीजन को अपने अंदर भर करके लेकर जाना होता है। तो रेड ब्लड सेल जो है वो कटोरी जैसे शेप के होते हैं। ठीक है, मसल सेल का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। तो मसल सेल जो है वो लंबे होते हैं। ओके, न्यूरॉन का काम क्या होता है, सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना, तो वो तार जैसे लंबे होते हैं। ओके, तो सेल के काम के बेसिस पे, सेल के फंक्शन के बेसिस पे उसका शेप और साइज निर्धारित किया जाता है। ओके, तो चलिए हम साइज ऑफ सेल्स आज का लेक्चर चालू करते हैं।
द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स मे बी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ अ मीटर. मतलब सेल का जो साइज है वो एक 10^-6 इस यूनिट को बोलते हैं, एक मीटर का मिलियंथ. मिलियंथ मतलब एक मीटर को 1,000,000 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए. कितने पार्ट्स में? एक मीटर को 1,000,000 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए तो एक पार्ट जो होगा उसका वो सेल होगा. तो इतने छोटे भी होते हैं सेल, और बड़े होने को तो एक ऑस्ट्रिच का अंडा भी एक सेल है. ओके, तो बहुत छोटे भी होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं सेल्स. ओके, तो द साइज ऑफ सेल्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बी एज स्मॉल एज मिलियंथ ऑफ अ मीटर, जिसको माइक्रोमीटर या माइक्रोन बोलते हैं, 10^-6, और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स, या फिर कुछ सेंटीमीटर जितना लार्ज होता है. ओके, हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज, ज़्यादातर जो सेल्स होते हैं वो सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. ओके, उनको सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. जो सबसे छोटा सेल होता है वो 0.1-0.5 माइक्रोन का होता है. ओके, 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोन का होता है. मतलब सोच सकते हैं आप कि कितना छोटा होता है. ओके, माइक्रोन मतलब 10^-6. ओके, और ये इतना छोटा सेल एक ऑर्गेनिज्म का होता है, वो ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया. ओके, तो बैक्टीरिया का जो सेल है वो 0.1 माइक्रोन तक का होता है. द लार्जेस्ट सेल मेजरिंग 170mm x 130mm इज़ द एग ऑफ ऑस्ट्रिच. दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच का अंडा. और दुनिया का सबसे लंबा सेल कौन सा है? देखिए, बड़ा और लंबा में डिफरेंस होता है. ओके, बड़ा मतलब होता है साइज, लंबा मतलब होता है लेंथ. ओके, तो सबसे लंबा सेल कौन सा है? जिराफ का न्यूरॉन. जिराफ का न्यूरॉन लगभग 13 फीट लंबा होता है. ओके, मेरी हाइट अभी 6 फीट है. आप सोच सकते हैं कि 13 फीट कितना होता होगा, कि मेरे से जस्ट डबल से भी ज़्यादा. तो इतना लंबा एक सेल होता है. तो ये दुनिया का लंबा, सबसे लंबा सेल होता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूरॉन ऑफ जिराफ. ओके, या नर्व सेल ऑफ जिराफ. ये नर्व सेल मैं आपको बता चुका हूँ. ये देखिए, यहाँ पर नर्व सेल बने हुए हैं. ये है एक नर्व सेल. तो ये जो नर्व सेल बना है येलो कलर का, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, इस नर्व सेल का काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करना. ओके, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करना. ओके, ये नर्व सेल का काम होता है. तो मैं आपको बता दूं कि साइज़ की बात चल रही थी, तो सबसे छोटा सेल कौन सा होता है? सबसे छोटा सेल होता है माइकोप्लाज्मा का. ओके, ये 0.5 से 1 μm का होता है. म्यू मतलब 10^-6, मतलब एक मीटर का. एक मीटर को जब आप 1,000,000 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो एक पार्ट उसका. ओके, इतना छोटा होता है. माइकोप्लाज्मा को बोलते हैं PPLO, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. ओके, सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच का एग. सबसे लंबा सेल कौन सा होता है? जिराफ का न्यूरॉन. ओके, और सबसे अब ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, मतलब इंसानों की बात करते हैं. तो इंसान के अंदर सबसे छोटा सेल होता है स्पर्म, सबसे बड़ा सेल होता है ओवम. ओके, और सबसे लंबा सेल होता है न्यूरॉन. ओके, तो आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा कि सबसे छोटा, सबसे बड़ा, सबसे लंबा सेल कौन कौन सा होता है और किस किस में पाया जाता है. ओके, चलिए एक्टिविटी 8.2 में देखते हैं क्या लिखा हुआ है. बॉइल अ हेन्स एग, एक मुर्गी के अंडे को उबालिए. रिमूव द शेल, शेल को रिमूव, उसका जो बाहर का हार्ड पोर्शन है उसको शेल बोलते हैं, उसको रिमूव कर दीजिए. अ वाइट मटेरियल सराउंड्स द येलो पार्ट, एक वाइट कलर का जो मटेरियल है वो येलो पार्ट को सराउंड कर रखता है. वाइट मटेरियल इज एल्ब्यूमिन, ये वाइट मटेरियल क्या कहलाता है? एल्ब्यूमिन. दिस एल्ब्यूमिन इज रिच इन प्रोटीन. ओके,
और ये जो एल्ब्यूमिन है ये सॉलिडिफाई हो जाता है बॉयल होने पर. द येलो पार्ट इज़ योल्क, इट इज़ द पार्ट ऑफ सिंगल सेल. ये जो योल्क है ये सिंगल सेल का पार्ट होता है. ओके, यू कैन ऑब्जर्व दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस. इस सिंगल सेल को आप बिना किसी मैग्नीफाइंग डिवाइस के ऑब्जर्व कर सकते हो. ओके, तो चलिए इस एक्टिविटी को हम स्टडी करते हैं. बॉयल अ हेन्स एग, एक मुर्गी के अंडे को उबालना है आपको. ओके, उसका शेल हटा देना है. फिर क्या करना है, जो वाइट पोर्शन निकलेगा उबालने के बाद उसका शेल हटा देना है. जो वाइट पोर्शन दिख रहा है आपको वो एल्ब्यूमिन कहलाता है. ओके, ये एल्ब्यूमिन में बहुत सारा प्रोटीन होता है और एल्ब्यूमिन के अंदर जब आप उसको फर्दर कट करेंगे तो अंदर योल्क होता है. ओके, तो ये एक सिंगल पार्ट होता है. तो कुल मिलाकर के ये एक्सपेरिमेंट ये बताने के लिए है कि सेल ना केवल माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं बल्कि आप अपनी आँखों से भी सेल को देख सकते हैं. ओके, अपनी आँखों से भी आप सेल को देख सकते हैं. ऑल सेल्स इन एन एलिफेंट आर द सेल्स इन एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन अ रैट. क्या हाथी की बॉडी में जो सेल्स होते हैं और चूहे की बॉडी में जो सेल्स होते हैं, तो क्या हाथी की बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो बड़े होते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है. देखिए, सेल्स जो होते हैं उनका काम अलग अलग होता है, उनका शेप और साइज अलग अलग होता है. ओके, हाथी इतना बड़ा होता है, चूहा छोटा होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हाथी की बॉडी के सेल्स होंगे वो भी बड़े होंगे. हाथी की बॉडी में बहुत सारे ऐसे सेल हैं जो चूहे की बॉडी में जितने सेल हैं उतने ही बड़े हैं. ओके, हाथी की बॉडी के सेल और चूहे की बॉडी के सेल लगभग बराबर होंगे, कुछ 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 बड़े भी होंगे. ओके, तो ऐसा नहीं कह सकते कि सेल का जो जानवर का जो साइज़ है उस पे सेल का साइज़ डिपेंड करता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हाथी है तो उसके सेल बहुत बड़े होंगे क्योंकि हाथी भी बहुत बड़ा होता है. ऐसा ज़रूरी नहीं है. ओके, हाथी बड़ा तो होता है लेकिन हाथी भी बहुत छोटे छोटे सेल से मिलकर बना होता है. ओके, अब जो हाथी का रेड ब्लड सेल होगा वो चूहे के रेड ब्लड सेल के बराबर ही होगा. ओके, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हाथी इतना बड़ा जानवर है तो उसके अंदर के सेल्स भी इतने ही बड़े होंगे. ओके, सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जानवर के साइज़ पे उसके सेल का साइज़ डिपेंड नहीं करता है. ओके, द साइज़ ऑफ सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज़ ऑफ द बॉडी. सेल का जो साइज़ है तो वो जानवर की बॉडी के साइज़ से उसका कोई लेना देना नहीं है. जानवर चाहे छोटा हो बड़ा, सेल का जो शेप और साइज़ होगा वो वैसा ही रहेगा. ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल्स इन एलिफेंट बी मच लार्जर बिगर देन दोज इन अ रैट. ये ज़रूरी नहीं है कि जो हाथी के बॉडी में सेल्स होते हैं वो रैट की बॉडी के सेल्स से बहुत ज़्यादा बड़े होंगे. थोड़ा बहुत बड़े हो सकते हैं, कुछ सेल बराबर भी होंगे. तो सेल का कुल मिलाकर जानवर की बॉडी के साइज से सेल का कोई लेना देना रहता नहीं. ओके, द साइज ऑफ द सेल्स इज़ रिलेटेड टू इट्स फंक्शन. मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सेल जिस तरह का काम करेगा उस हिसाब से उसका साइज होगा. RBC का काम है ऑक्सीजन को लेकर जाना, तो वो कटोरी जैसे होते हैं. ओके, न्यूरॉन का काम है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना, तो वो लंबे लंबे तार जैसे होते हैं. ओके, मसल सेल्स का काम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो वो रबर बैंड की तरह दोनों तरफ से नुकीले और लंबे होते हैं. ओके, तो सेल का शेप और साइज जो है वो उसके फंक्शन पर डिपेंड करता है. ओके, दे परफॉर्म द सेम फंक्शन. जो नर्व सेल जो हाथी का है और जो रैट का है, नर्व सेल जो होता है चाहे वो हाथी का हो चाहे रैट का हो, उसका काम वही रहेगा. उसका काम है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करना. तो रैट में भी वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगा और एलिफेंट में भी नर्व टिश्यू जो है या नर्वस सेल्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का ही काम करेंगे. तो जो सेल का फंक्शन होता है यानी सेल का काम होता है उस पर डिपेंड करता है सेल का शेप और साइज़, ना कि सेल का शेप और साइज़ उसके जानवर के साइज़ पर डिपेंड करता है. बिल्कुल नहीं करता. ओके, तो इस पैराग्राफ से हमको ये समझ में आया कि जो सेल का शेप और साइज़ है वो जानवर के शेप और साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि सेल का शेप और साइज़ किस पर डिपेंड करता है कि सेल क्या काम कर रहा है. ओके,
दे परफॉर्म द सेम फंक्शन दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस. ओके, ये मैसेजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में होते हैं. अब सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करते हैं. यू हैव लर्नड दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स. आपने ये पढ़ा होगा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. जैसे हम हैं ह्यूमन बींग्स, तो हमारी बॉडी में हार्ट है ब्लड को पंप करने के लिए, किडनी है ब्लड को प्यूरीफाई करने के लिए, स्टमक है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, ओके, और लंग्स है ऑक्सीजन को ब्लड में पहुंचाने के लिए. तो अलग अलग ऑर्गन्स का काम अलग अलग होता है. ओके, तो सेल का क्या स्ट्रक्चर है, क्या काम करता है सेल, वो हम इस पैराग्राफ में विस्तार से पढ़ेंगे. ओके, यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम. हमने क्लास 7th में पढ़ा है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ओके, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो चैप्टर था क्लास 7th में, उसमें हमने पढ़ा है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनता है. ओके, बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में. ओके, और हर एक ऑर्गन का अलग अलग काम होता है, जैसे डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, ये सारे काम होते हैं. ओके, सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड फंक्शन. अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं. ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं. सिमिलरली फॉर एग्ज़ाम्पल रूट्स हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. प्लांट्स की बात करें तो जो जड़ें होती हैं उनका काम क्या होता है, पानी को एब्जॉर्ब करना, ताकि पानी को पहुंचाया जा सके हर जगह. ओके, रूट्स का काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, ताकि प्लांट में हर जगह जाइलम के थ्रू पहुंचाया जा सके पानी को. ओके, लीव्स एज यू हैव लर्नड इन क्लास 7th आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड. जो पत्तियाँ होती हैं वो खाने के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं. आपको पता है, आपने क्लास 7th में पढ़ा है एक प्रोसेस जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस. फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना. ओके, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है लाइट की हेल्प से प्लांट्स जब खाना बनाते हैं. ओके, लाइट की हेल्प से प्लांट्स खाना बनाते हैं, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. ओके, तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है कि प्लांट्स जो है वो बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं. ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल और सनलाइट की मदद से प्लांट का खाना बन जाता है. वो खाना क्या होता है, ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट. ओके, एक बार और मैं रिपीट करता हूँ, प्लांट्स का जो खाना है वो किन चीज़ों से मिलकर बनता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, और क्लोरोफिल, वाटर और सनलाइट. ये चारों चीज़ें जब आपस में रिएक्शन करती हैं प्लांट की बॉडी में, कहाँ पर, पत्तियों में. ये चारों चीज़ें कहाँ रिएक्शन करती हैं, पत्तियों में, तो क्या बना लेती हैं, प्लांट का फूड. प्लांट का फूड क्या है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च. ओके, ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन सच एज डाइजेशन, एसिमिलेशन एंड अब्जॉर्प्शन. सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट परफॉर्म स्पेसिफिक या स्पेशलाइज्ड फंक्शन. अलग अलग ऑर्गन्स प्लांट में अलग अलग काम करते हैं. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल रूट्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. रूट्स क्या करती हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं. ओके, और मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन करती हैं, क्योंकि मिनरल्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं प्लांट के लिए. लीव्स एज यू हैव लर्नड इन क्लास 7th आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड. जो पत्तियाँ होती हैं वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, खाने के सिंथेसिस के लिए. ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज़. हर ऑर्गन जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स से मिलकर बना है, उन पार्ट्स को बोलते हैं टिश्यूज़. मैंने आपको कल बताया था एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत सारे सेल जब मिल करके एक काम को करने लगते हैं तो वो बना लेते हैं टिश्यू. जब बहुत सारे टिश्यू मिल करके एक काम को करने लगते हैं तो बना लेते हैं ऑर्गन. जब बहुत सारे ऑर्गन मिल करके एक काम को करने लगते हैं तो बना लेते हैं ऑर्गन सिस्टम. और
जब पूरा ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिलकर काम करता है तो वो उससे बन जाता है ऑर्गेनिज्म या बॉडी. ओके, तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि ईच ऑर्गन इज़ फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यू. हर ऑर्गन किससे मिलकर बना है? टिश्यूज से मिलकर बना है. टिश्यू क्या होते हैं? टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल होते हैं जो जिनका काम एक ही होता है, एक काम दिया जाता है उनको सिर्फ. अ ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन, एक ही काम करने को उनको दिया जाता है, ऐसा सेल्स का ग्रुप. पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज विच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स. पहली ने ये रियलाइज किया कि एक ऑर्गन टिश्यूज से मिलकर बनता है और टिश्यूज सेल से मिलकर बनते हैं. द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट. जो सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है. पार्ट्स ऑफ सेल, पहला है सेल मेम्ब्रेन. सेल का पहला पार्ट कौन सा है? सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. ओके, और भी कई नाम है इसके, जैसे प्लाज्मा लेमा. ओके, तो बहुत सारे इसके नाम हैं. सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल को प्रोटेक्शन देता है. ओके, कल मैंने बताया था दो तरह के सेल्स होते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल. ओके, तो जो प्लांट सेल होते हैं उसमें, उसके बाहर, प्लांट सेल के बाहर दो लेयर मौजूद होती हैं. कौन कौन सी? सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन. लेकिन जो एनिमल सेल होता है उसके बाहर सिर्फ एक लेयर मौजूद होती है जो है सेल मेम्ब्रेन. ओके, तो प्लांट सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन दोनों होती है. क्यों? क्योंकि प्लांट्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है. तो अगर प्लांट का सेल मजबूत होगा तो प्लांट की पूरी बॉडी भी मजबूत बनेगी. जैसे अगर ईंट मजबूत होगी तो दीवार भी मजबूत बनेगी. तो उसी तरह प्लांट का सेल अगर मजबूत होगा, उसके बाहर दो लेयर प्रेजेंट हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है मजबूत बनेगा. तो अगर प्लांट का सेल मजबूत है तो प्लांट्स का सेल अगर मजबूत है तो प्लांट्स की बॉडी भी मजबूत बनेगी. ओके, बट एनिमल सेल में सिर्फ एक लेयर होती है, यानी सेल मेम्ब्रेन. ओके, अब मैं आपको सेल मेम्ब्रेन के बारे में कुछ और चीज़ें बताता हूँ. सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन होती है. सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या होता है? ये सेलेक्ट करके परमिट करती है किस चीज़ को अंदर लाना है और किस चीज़ को बाहर ही रखना है. ओके, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्ट करके परमिट करती है क्या चीज़ को अंदर लाना है और क्या चीज़ को बाहर ही रखना है. ओके, जैसे जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्ट करती है, जैसे पानी ज़रूरी है सेल के लिए तो पानी को सेलेक्ट करके अंदर ले आती. ओके, बट अगर कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस वगैरह है वो घुसने की कोशिश कर रहा है तो उसको सेल मेम्ब्रेन बाहर ही रोक देती. ओके, तो सेल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उनको सेलेक्ट करके परमिट करती है अंदर जाने के लिए. ओके, तो आई होप आप लोगों को सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन है वो क्लियर हो गया होगा कि सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा. ये एक सेलेक्टिवली परमीएबल मेम्ब्रेन है. सेलेक्टिवली परमीएबल क्यों नाम बोला गया? क्योंकि ये सेलेक्ट करके परमिट करती है सब्सटेंसेस को अंदर आने के लिए. ओके, तो चलिए अब हम रीड करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में. द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल आर सेल मेम्ब्रेन. सबसे ज़्यादा बेसिक कंपोनेंट होता है सेल का क्या? सेल मेम्ब्रेन. क्यों बेसिक होता है? क्योंकि सबसे पहले अगर सेल को स्टडी करेंगे तो उसकी बाउंड्री स्टडी की जाती है. ओके, क्योंकि जब भी आप किसी घर में घुसते हैं तो सबसे पहले उसकी बाउंड्री का गेट खोलते हैं. ओके, तो वैसे ही सेल की जो बाउंड्री होती है वो क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन. ओके, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, यानी एक पानी जैसी चीज़ भरी होती है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म. इसी साइटोप्लाज्म में सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं. कल मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं और हमारी बॉडी का सारा काम करते हैं ऑर्गन्स, वैसे ही सेल की बॉडी में ऑर्गेनल्स होते हैं. हमारी बॉडी में जो काम ऑर्गन्स करते हैं वही काम सेल की बॉडी में कौन करता है? ऑर्गेनल्स. ओके, तो सेल की बॉडी में सेल ऑर्गेनल्स सेल के सारे काम करते हैं. जैसे हमारी बॉडी में किडनी है, वो ब्लड को प्यूरीफाई करने का काम करती है. हार्ट है, ब्लड को पंप करने का काम करता है. लीवर है, वो फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, बाइल जूस बनाता है. ओके, स्टमक है, उसमें प्रॉपर डाइजेशन होता है फूड का. ओके, तो लंग्स हैं, वो ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स करते हैं या ब्लड तक पहुँचाते हैं. तो अलग अलग ऑर्गन का काम एकदम अलग अलग है. ओके, अलग अलग ऑर्गन का काम जो है वो अलग अलग होता है. ओके, जैसे जो मैं आपको बता दूं, एक बार और रिवाइज करवा देता हूं. प्लांट और एनिमल सेल दोनों की
एक लेयर होती है एनिमल सेल की, तो सबसे बाहर वाली लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल की सेकंड लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो यहाँ पर हम सेल मेम्ब्रेन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो प्लांट सेल की जो सेकंड लेयर है और एनिमल सेल की आउटर लेयर है, उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये सेमी परमेबल या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि ये सेल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं उसको सेलेक्ट करके परमिट करती हैं अंदर आने के लिए। ओके, और ये जो होती है सेल मेम्ब्रेन, मैं आपको बता दूं ये किसकी बनती है, ये प्रोटीन और लिपिड्स की बनती है। सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनती है? लिपिड्स और प्रोटीन, यानी लिपोप्रोटीन। सेल मेम्ब्रेन किसकी बनती है? लिपिड्स और प्रोटीन। ओके, तो लिपिड्स क्या होते हैं? जैसे आप घर पे घी खाते हैं, तेल खाते हैं, तो ये सब लिपिड्स हैं। ओके, प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन हमको मिलता है दाल से। ओके, और किस चीज़ से मिलता है प्रोटीन? हमको ओट्स से मिलता है। ओके, तो प्रोटीन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है हमारी बॉडी को बनाने के लिए, इसीलिए प्रोटीन को बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। ओके, क्योंकि वो हमारी बॉडी को बनाने में बहुत हेल्प करता है। हम प्रोटीन जितना ज़्यादा लेंगे हमारे मसल्स उतने ज़्यादा स्ट्रांग होते जाएंगे। ओके, बट एक प्रोटीन का क्वांटिटी होता है, उतना ही लेना चाहिए। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बनती है? लिपिड्स और प्रोटीन से। ओके, और ये लिपिड्स और प्रोटीन सेल के अंदर ही बनते हैं। ये एक ऑर्गेनल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये नाम थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा आपको, बट मैं आपको बहुत ही अच्छे से स्पेलिंग भी लिखवाऊंगा सब चीज़ें। ओके, बहुत अच्छे से बताऊंगा। तो एक ऑर्गेनल होता है सेल के अंदर, उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो क्या बनाता है? प्रोटीन और लिपिड। ओके, वो दोनों चीज़ें बनाता है, प्रोटीन भी बनाता है और लिपिड भी बनाता है। यही प्रोटीन और लिपिड क्या बनाते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ओके, तो आई होप आपको सेल मेम्ब्रेन क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टडी करते हैं, इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, रीड करते हैं। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो बेसिक कंपोनेंट होता है सेल का वो तीन चीज़ें होती हैं। क्या क्या? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के अंदर, यानी सेल के अंदर पानी जैसी एक चीज़ भरी होती है, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में सारे सेल ऑर्गेनल्स तैरते रहते हैं। ओके, और तीसरा होता है न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस जैसे हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन क्या काम करता है हमारी बॉडी में? सोचने का काम करता है। ओके, ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, वैसे ही सेल्स के अंदर सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। ओके, तो न्यूक्लियस एक्ट्स एज अ ब्रेन ऑफ द सेल। ओके, न्यूक्लियस एक ब्रेन का काम करता है सेल के। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस होता है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही रहता है। और सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द मेम्ब्रेन सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस ये एक सेल को दूसरे सेल से अलग रखती है, ताकि आप माइक्रोस्कोप में देखो तो आपको समझ में आए कि ये सेल दूसरे सेल से अलग है। ओके, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? ये पोरस होती, मतलब इसके अंदर चीज़ें जा सकती हैं, इसके अंदर से बाहर भी आ सकती हैं, लेकिन सिर्फ ज़रूरी चीज़ें, ये नहीं कि सारी चीज़ें। ओके, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो चीज़ें सेल के लिए ज़रूरी होती हैं वो सारी चीज़ें सेल मेम्ब्रेन के अंदर चली जाती हैं। ओके, जैसे ऑक्सीजन हो गया, वाटर हो गया, फूड हो गया, तो ये सब सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू चली जाती हैं। और सेल से बाहर क्या चीज़ें निकलती हैं? वेस्ट प्रोडक्ट, जो सेल का वेस्ट मटीरियल होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ वेस्ट मटीरियल होते हैं, वो सब सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर चले जाते हैं। ओके, तो आई होप आपको आज का लेक्चर स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। जो भी डाउट्स है आप प्लीज़ मेरे से पूछिए। आज हमने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा? आज हमने साइज़ ऑफ सेल पढ़ा। तो सेल का साइज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सेल एक मीटर जो डिस्टेंस होती है, घर पे पूछिएगा अपने पेरेंट्स से कि एक मीटर कितना होता है, उसको 10 लाख पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, तो जो एक
पार्ट होगा उस 10 लाख पोर्शंस में से एक छोटा सा पोर्शन होगा, वो पोर्शन उतना बड़ा सेल होता है। ओके, वहाँ से लेकर के आपको पता है सबसे छोटा सेल उतना छोटा होता है, और सबसे बड़ा सेल एक ऑस्ट्रिच के अंडे के बराबर होता है। ऑस्ट्रिच का अंडा 2.5 किलो का होता है, तो आप सोच सकते हैं कि एक सेल कितने छोटे से कितने बड़े तक हो सकते हैं। ये तो रही बड़े की बात, अब लंबे की बात करते हैं। सबसे लंबा सेल जो होता है वो जिराफ का न्यूरॉन होता है। ये 13 फीट लंबा होता है, मतलब जितनी लंबी जिराफ की गर्दन होती है उसी गर्दन के अंदर जिराफ का न्यूरॉन होता है, तार जैसा लंबा। ओके, ये न्यूरॉन क्या करता है कि जिराफ का दिमाग तक सिग्नल्स को पहुंचाता है। जैसे जिराफ को अगर कोई ख़तरा महसूस होता है या जिराफ के आसपास कोई शेर वगैरह आता है, तो तुरंत ये जो न्यूरॉन है ये तुरंत मैसेज पहुंचाता है जिराफ के ब्रेन को कि आसपास खतरा है। ओके, तो ये सब वार्निंग देने और कंट्रोल करने का काम और जितने भी सिग्नल या मैसेजेस भेजने का काम कौन करता है? न्यूरॉन करता है। तो जिराफ का जो न्यूरॉन होता है वो सबसे बड़ा, सबसे लंबा सेल होता है, लंबा। ओके, लॉन्ग। और सबसे लार्ज सेल, सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? ऑस्ट्रिच का अंडा। ह्यूमन बीइंग की बात करें तो सबसे छोटा सेल होता है स्पर्म, और सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? ओवम। और ह्यूमन बीइंग्स में भी सबसे लंबा सेल कौन सा होता है? न्यूरॉन। ओके, तो आई गेस आप लोगों को एक आइडिया लग गया होगा साइज ऑफ सेल के बारे में। एक चीज़ अच्छी यहाँ पर मुझे लगी कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी जो लिखी हुई है ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि जो साइज़ होता है सेल का वो जानवर के बॉडी के साइज़ पर डिपेंड नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि हाथी और वेल इतने बड़े बड़े होते हैं तो इनके सेल भी बहुत बड़े बड़े होते होंगे, नहीं। सेल का साइज़ और शेप सेल के काम पर डिपेंड करता है। ओके, तो आई गेस ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा गाइस। और जो भी डाउट आए प्लीज़ मेरे से पूछिएगा, और आप इसको पेज नंबर, इस चैप्टर को आप पेज नंबर 94 तक रीड कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से इस चैप्टर को आप पेज नंबर 94 तक रीड कर लीजिएगा। जो भी डाउट्स हैं मेरे से पूछिएगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस, थैंक यू सो मच।